मेरे को कुछ देखा ही नहीं उसने, तो मेरी तो फीस वेस्ट चली गई ना। टेली मेडिसिन में इस तरीके से कैसे पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, अब देखा नहीं का मतलब क्या है, जैसे कि वो आपसे फिजिकली टच नहीं कर पाया, ये फिजिकली टच नहीं, फिजिकली टच नहीं, उसने बोला ये बीमारी आपको फिजिकली जाके ही दिखानी पड़ेगी। अच्छा, डॉक्टर ने तो मेरे को एक जवाब दे दिया कि आपको फिजिकली जाके दिखानी पड़ेगी, लेकिन मेरी फीस तो वहाँ पर सेंटर पर चली गई ना। नहीं देखिए, वो बात आपकी सही है, तो इस केस में इस केस में देखिए हमारा जो इसमें रहता है सिस्टम, ठीक है, कि आप इसको ना ऐसे देखिए कि गांव में अगर अगर 100 मरीज हैं तो उसमें से 30 कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। अगर डॉक्टर मिल डॉक्टर से बातचीत के बाद इस चीज़ में भी कुछ प्रकाश डलता है कि यार आपका ये सीरियस है कि नहीं या कितना सीरियस है, वो भी एक काम की बात है, राइट। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ये भी कह सकते हैं कि यार आप इसको त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और किसी को ना दिखाएं, या आप इसको पेट जो पेट के एक्सपर्ट हैं उनको दिखाएं, किसी और को ना दिखाएं। बट सर मैंने तो, मेरे को पता है मेरे पेट में दर्द होगा और मैंने पेट के दर्द के लिए गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास वो किया, लेकिन 80% केसेस में ये होता है जब इंसान के पेट में दर्द होता है तो वो ये बोलता है जाके अल्ट्रासाउंड करवा लो और आप अपने जो भी नियर बाय डॉक्टर है उन पर जाके दिखवा लो। तो ये कंडीशन तो फीस तो फालतू लिया थी ना। 75% टेली मेडिसिन में अभी तक का जो है रिकॉर्ड उसमें 75% लोग। सिद्धार्थ जी, मैं एक मिनट का सवाल लेना चाहता हूँ। महन जी, जी सर, अगर वो कहते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा, ठीक है, तो हमारे ऐप पे अल्ट्रासाउंड आप 7 दिन की जो आपने फीस दी है वो 7 दिन तक वैलिड है, पहली बात, ठीक है। दूसरी है कि हमें नहीं पता है, 7 दिन तक आपसे कोई फीस नहीं लगेगी, जैसा ही डॉक्टर्स करते हैं। कोई भी डॉक्टर जब आप दिखाने जाते हैं फीस लेता है, आपको कोई रिपोर्ट लिखता है तो आप पहले रिपोर्ट करा के रिपोर्ट दिखाते हैं ना, ऐसे ही हमारे ऐप पे आपके नाम से वो रिपोर्ट लोड हो जाएगी, वो डॉक्टर आपके उस अल्ट्रासाउंड या जो भी रिपोर्ट है उसे देखेगा। मैं समझ गया कि मेरा पूरा जो, उसी हिसाब से उस अल्ट्रासाउंड को देख के जो भी दवाइयों में चेंजेस करने होंगे वो करेंगे। दूसरी बात, आपका सीवियर है कुछ, जैसे मान लीजिए आप शहर में भी आते हैं, जैसे आपने कहा मुझे पेट में दर्द है, ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मली हम लोग फिजिशियन को दिखाते हैं, ऐसा ही होता है ना। जी जी, आपने फिजिशियन को दिखाया, फिजिशियन ने आपको देखा, जो भी उसकी फीस है वो उसने ली, उसके बाद वो क्या कहता है, अगर मान लीजिए उसे लगता है कि पतली है, ठीक है, या मान लीजिए कोई आपकी आंत बड़ी हुई है, फिजिशियन एक टेस्ट करता है तो वो आपको सजेस्ट करता है कि आप सर्जन के पास जाइए, ठीक है, या कहीं और दिखाइएगा। वही सिस्टम यहाँ पे भी, अगर वो आपको रेफर करता है सारी चीजें अल्ट्रासाउंड वगैरह देखने के बाद, तो आपका आधा काम तो हो गया ना, आपको एक दिशा मिल ही गई है कि आपको अब सर्जन से सर्जरी करानी है, ये आपको गांव में बैठ के ही मिल गई, आपको शहर नहीं आना पड़ा ना। समझ रहे हैं ना, फिजिशियन भी आपको देखता है, वो बिना फीस के नहीं देखता है, लेकिन वो आपको एक गाइड कर देता है कि आप हॉस्पिटल में जाइएगा, या सर्जरी का केस है आप सर्जरी कराइए, अल्ट्रासाउंड उसने देख के कर दिया, और 7 दिन तक आपकी फीस वैलिड है। आपको जो भी टेस्ट बताया गया वो आप टेस्ट करवाने के बाद उसे हमारे ऐप पे या क्लिनिक पे जाके अपलोड करवा दीजिए, ठीक है सर, डॉक्टर उसे देखेगा और आपको उसके आधार पे परामर्श देगा। अच्छा, नहीं ये जो मेरा बस, आपने महेंद्र जी जरा समझिए नहीं सही तरीके से, हाँ, मेरे को लोकल रीच मिलेगी या नहीं मिलेगी डॉक्टर्स की, जिस डॉक्टर से मैं, हाँ लोकल रीच, आप कहाँ से है सर, कहाँ से है आप? मैं ग्वालियर से बात कर रहा हूँ। आप ग्वालियर से? देखिए अभी हमारे पास जो हमारा IMA से टाई अप है, अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जैसे हमारे पास गाजियाबाद के डॉक्टर हैं, मथुरा के डॉक्टर हैं, आगरा के डॉक्टर हैं, कानपुर के डॉक्टर हैं, मऊ बलिया, इधर बहुत सारी जगह डॉक्टर जुड़ रहे हैं, ठीक है। अंग्रेज जी, हाँ जी सर, प्रॉमिस नहीं कर सकते कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे, लेकिन हाँ ग्वालियर के भी डॉक्टर, हमारी बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी हर बड़े शहर के डॉक्टर हमारे पोर्टल पे होंगे, इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। अच्छा महेंद्र जी, ये थोड़ा बाद में कर लें बात, अभी जरा ना इसको फुल कर लेते हैं, है ना जी, हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में इस तरह की बातें कर सकते हैं क्या? प्रेजेंटेशन एक बार हो जाने, एक बार हो जाए महेंद्र जी, प्रेजेंटेशन खत्म कर लेते हैं एक बार, राइट, काफी टाइम रहेगा क्वेश्चन आंसर के लिए। हाँ जी हाँ जी, बस यही बैठे हैं हम पूरा दिन इसी चीज के लिए, और बड़ी खुशी है, ठीक है सर। तो हाँ सर, कोई और क्वेश्चन है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर आ रही है, बताइए सर। मैं संतोष द्विवेदी टीकमगढ़ से। हाँ जी सर नमस्कार जी। हाँ जी, बस मैंने कहा आवाज चेक कर लूँ, कम से कम मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया आवाज आ रही सर, जबरदस्त। हाँ मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, और भैया का जो सवाल था उस पर मैं बाद में आंसर दूंगा, ग्वालियर के जो भैया है, ठीक है ठीक है, हाँ अभी ये निपटा लेते हैं।
ठीक है जी। तो सेल के बाद उसके बाद मैं जवाब दे दूंगा आपको। हाँ जी, तो किट देखिए संख्याएं दूर हो जाएंगी। हाँ जी, तो किट लगने के बाद कस्टमर केयर है, आप बुकिंग कर सकते हैं हमारी टीम से, वो आपसे मिल भी सकती है आके, और आपकी समस्याओं को समझने, सुझावों के आदान प्रदान के लिए हम नियमित ऑनलाइन मीटिंग भी करेंगे और आपकी और ई क्लिनिक ऑपरेटर से भी मीटिंग करवाएंगे ताकि सब लोगों का दिमाग इकट्ठा काम करे, ठीक है जी। और ग्राउंड प्रमोशनल सपोर्ट के लिए हम आपको, जब आप चाहेंगे, हम ई क्लिनिक कैंप, हेल्थ कैंप लगवा सकते हैं आपके लिए, हम आशा कार्यकर्ताओं से आपको लिंकअप करवाने के लिए मदद कर सकते हैं, हम आपकी कम्युनिटी रीच आउट में भी मदद कर सकते हैं, जिसमें हमारी पेशेंट ऐप जो है, आप जितने लोगों का इंस्टॉल करवाएंगे वो आपसे कनेक्टेड रहेंगे, और कल को वो कंसल्टेशन अगर घर से भी ले पाएँ तो आपको उसमें रेवेन्यू शेयर मिल सकता है। और स्थानीय जो क्षेत्र है आपका, वहाँ पे फेसबुक विज्ञापन के द्वारा आपका प्रमोशन भी हम कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ों में हम आपकी मदद करेंगे, और जो भी किट उपकरण है उसकी वारंटी भी है 1 साल की, ठीक है। तो ये सर प्रेजेंटेशन ये ख़त्म है यहाँ पे। तो ज्ञानेंद्र जी आप हैं कॉल पे? हेलो। हाँ जी ज्ञानेंद्र जी, आवाज आ रही है सर? हेलो सर, विवेक श्रीवास। हेलो सर, विवेक श्रीवास बोल रहा हूँ मोरानीपुर से। हाँ जी सर, बोलिए सर। सर जैसे कि आपने पूरा सिस्टम लगा दिया, और सिस्टम लगाने के बाद पेशेंट आता है और तो कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम बताता है, तो ऑनलाइन डॉक्टर रहेंगे, उनसे परामर्श लेने के बाद सर वो कैसे उनका ट्रीटमेंट देंगे, मतलब मेडिसिन लिखेंगे इस तरीके से, ट्रीटमेंट करके अपॉइंटमेंट देंगे वो? सर आपकी आवाज थोड़ी मिस हो गई, एक मिनट, हम ये क्वेश्चन आंसर राउंड में बात कर लें जरा इस बारे में, अभी जरा बस एक ही प्रेजेंटेशन बची है, कर लेंगे सर क्या? वेट थोड़ा सा। हाँ जी ज्ञानेंद्र जी, सर आवाज आ रही है विवेक जी आपकी? मैं बस आपसे वो करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, प्रश्न उत्तर राउंड तब करेंगे, ठीक है सर? सर मैं कॉल बैक करूं आपको, क्या करूं मतलब? नहीं, कॉल बैक करूं? अभी ये प्रोजेक्टेड बात अभी पिछली शिक्षक में एक क्वेश्चन आवाज में सर आता है, हम लोग आपके बात देंगे सर, नेक्स्ट मीटिंग में जुड़े रहो अभी। अच्छा ठीक है सर। हाँ विवेक जी बस वेट करिए आप। ज्ञानेंद्र जी बोलिए सर। जी सर, जी सर, मैं देख, नमस्कार सर, सभी मैं सभी का यहाँ पर जियो इन ई मित्र क्लिनिक के फाउंडर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने ये वेबिनार का आयोजित किया है, और इनकी ये जो सोच है इसका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ इस चीज के लिए कि इन्होंने एक रूरल एरियाज के बारे में सोचा जहाँ पर कभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं को हमेशा बैकफुट पे रही है, हमेशा निचले स्तर पर रही है, कभी ध्यान नहीं दिया, करना चाहूंगा। और मैं थोड़ा सा आप सबको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो जियो ई मित्र क्लिनिक है इसकी जर्नी का अभी तक ये कैसी रही है इसकी जर्नी। इसकी जर्नी की शुरुआत अगर हम करते हैं सर, तो इसमें आपको बताना चाहूंगा, हमारी अप्रैल 2019 में हमारी इसकी शुरुआत हुई थी सर। स्लाइड है सर, स्लाइड प्रेजेंट कर देंगे सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आप। हाँ सर, हाँ, अप्रैल 2019 में हमने इसकी शुरुआत की थी, जियो मित्र ई क्लिनिक के शुभारंभ हमारा हुआ था, पेट के साथ हमने इसकी शुरुआत की थी, एक एक जिले में, जिला उत्तर प्रदेश के जिला जालौन से, और मंडी में, हिमाचल प्रदेश जी। ज्ञानेंद्र जी, ज्ञान जी आवाज थोड़ी शायद आपकी कट रही है, आवाज चली गई थोड़ी। हेलो, हेलो, हाँ जी सर, ये बताइए डॉक्टर की उपलब्धता के लिए क्या, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन किया, फीस दे दी, और मरीज को कितनी देर तक बैठाएंगे कि डॉक्टर जुड़ जाएंगे हमसे? हाँ जी देखिए सर, जैसे ही आप
रेफर भेजेंगे तो 15 से 20 मिनट में डॉक्टर साहब का कॉल आ जाता है, ठीक है, और मोस्टली केसेस में 10 मिनट में ही आ जाता है। हाँ, नहीं मंगल जी, आप कनेक्शन टूट गया था। हाँ जी बोलिए बोलिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमारी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2019 में, मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी में और उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में, और उस समय हम आपको बताएं कि जो हमारी शुरुआत थी उस समय, वो हमने केवल एक अपने मोबाइल ऐप के साथ हम इसको लेकर के आए थे, इस सुविधा को लोगों के पास में मोबाइल ऐप के द्वारा हम डॉक्टरों के द्वारा ई चिकित्सा का परामर्श लोगों को दिलवाते थे। तो वो चीजें तो ठीक थी, लेकिन कुछ परेशानियां उसमें रही, पेशेंट के हाथ में हम सब प्रिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं दे पाते थे, तो उसकी वजह से लोगों को लगता था कि कुछ उनको पर्चा वगैरह उनके पास नहीं है डॉक्टर का लिखा हुआ, अगर आगे उनको कुछ दिखाना है, किसी से और परामर्श करना है उसके बारे में। तो हमने अपने सब वर्तमान के अनुभवों के साथ में, अपने पुराने अनुभवों के साथ में, वर्तमान में हम उससे शायद ज्ञानी जी आपका म्यूट हो गया है। म्यूट हो गया है। अब आ रही है आवाज अपनी? हाँ जी हाँ जी। तो मैं हम लोग ये कह रहे थे कि हमने जो अभी किट का अपना बनाया है, शुरुआत हमारी मोबाइल ऐप के साथ थी, और ज्ञानी द्वारा अनुभवों के आधार पर मैंने कर दिया सर, ठीक। अपने अनुभवों के आधार पर, अपने पुराने अनुभवों को देखते हुए, हमने यहाँ पर अपना एक पूरा किट का इंस्टॉलेशन किया, जिसमें कि मरीजों के अनुभवों के आधार पर किया है कि उनको बेहतर किस तरीके से सुविधा लगे डॉक्टरों के साथ में, और उनको फ्रेंडली महसूस हो, क्योंकि वो दूर से परामर्श ले रहे हैं ताकि वो अच्छे से देख पाए, और पेशेंट जब डॉक्टर से अच्छे से कनेक्टिविटी कर पाता है हमारी इस किट के माध्यम से, तो उसको भी थोड़ा सा वहां पर अच्छा लगता है, उसके हाथ में जब एक डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा पहुंचता है, तो वो सब चीजें पेशेंट को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। और मैं केवल ये आपको अपने अनुभव के आधार पर बता पा रहा हूँ, हमारे जो क्लिनिक ऑपरेटर्स हैं और मरीजों के साथ जो बातचीत हुई उनके आधार पर ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ, कि ये हमारा जो सिलसिला है आगे बढ़ता हुआ, जो हमने एक जिले के साथ और दो स्टेट के साथ शुरू किया था, आज हम कई जिलों में अपने विस्तार कर पाए हैं इन ई क्लिनिक्स का। प्रारंभिक समय में हमारा जो जियो ईवी क्लिनिक के ऑपरेटरों का और का जो अनुभव था, और सामान्य जन का जो उनका अनुभव था पेशेंट्स के साथ में, वहां पर भी उन सब चीजों को ही उनके अनुभवों के आधार पर हमने कुछ और सुविधाओं को अपडेट किया इसमें, अपनी मोबाइल ऐप में भी हम मोबाइल ऐप में हमने अपनी किट में इनका विस्तार किया, और उसके बाद हमने देखा कि परिणामों में काफी हद तक अच्छा बदलाव रहा इन चीजों के लिए। और जितने अभी हमारे जितने लोगों का हमने यहाँ पर परामर्श इसके जियो क्लिनिक के माध्यम से दिया, हमारे पास पूरा इसका डाटा रहता है, और उसमें लोगों के अनुभव जो आए हैं निकल करके, वो इस तरीके के अनुभव रहे हैं लोगों के कि उन्होंने ये कहा है कि उनका काफी हद तक पैसा बचा, उनका समय बचा, और उनको सही तरीके से मार्गदर्शन डॉक्टर के परामर्श से मिल पाया, और उनका जो एक पहले आने जाने में ही काफी समय और पैसा बर्बाद होता था, वो उनका काफी बच गया, केवल डॉक्टर की फीस, और वो भी देखा जाए तो काफी कम स्तर में, जो सामने बैठ के उनको परामर्श नहीं मिल पाता था, वो ई क्लिनिक के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को अच्छे से रखा और उनको भी सही परामर्श वहां पर मिल पाया। और एक अभी बीच में सेमिनार के बीच में क्वेश्चन भी आए थे कि हम क्या 150 रुपए या जो ई क्लिनिक की फीस है वो गांव के लोग दे पाते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं रहती, लेकिन हमारे जो ई क्लिनिक्स अभी चल रहे हैं सर वर्तमान में, मैं ये आपको बताना चाहूंगा बड़े हर्ष के साथ में, कि ये जो समस्या है लोगों के साथ नहीं आती है, लोगों ने इस चीज को पूरी तरीके से नकार दिया है अपने स्वास्थ्य को लेकर के, कि 150 रुपए या 350 रुपए फीस उनके लिए वो मैटर नहीं करती, अगर उनके स्वास्थ्य संबंधी उनके बच्चों को वो सुविधा घर पे बैठ के मिल रही है तो वो उसके लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो शहरों में जाकर के उससे कहीं अधिक पैसा केवल अपनी आने जाने की यात्रा के ऊपर व्यय कर देते हैं। और
मैं आपसे इसमें एक बात और ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारे जितने भी क्लिनिक ऑपरेटर्स हैं, इनके जो अनुभव हैं, इन अनुभवों के आधार पर इन्होंने, कई लोगों ने केवल इसको पहले एक पार्ट टाइम के तौर पर शुरू किया था कि हम अपने दूसरे व्यवसाय के साथ व्यवसाय करके देखते हैं, तो उसमें से काफी हद तक लोगों ने इसको अपनी क्लिनिक में सुविधाओं का विस्तार करते हुए और यहाँ पर उन्होंने अपने इसको मुख्य व्यवसाय के तौर पर भी अपना लिया है। गांव में तो इससे उनको प्रतिष्ठा भी मिल पा रही है और गांव के लोगों की उस तौर पर मदद भी हो पा रही है। कई लोग आकर के उनको धन्यवाद वहां पर देते हैं इस चीज के लिए। इसी क्रम में अपने हमारे ऑपरेटर हैं आर के पटेल जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा थोड़ा पटेल जी को जरा अनम्यूट कर सकते हैं आप, जरा कर दीजिए, वो अपना थोड़ा अनुभव बताएंगे इसके बारे में हमारा, कि उनका अनुभव अभी तक कैसा रहा। आर के पटेल जी को खुद अनम्यूट करना पड़ेगा, उनके स्क्रीन पर नीचे म्यूट का बटन हटाने का ऑप्शन होगा। हाँ जी, आर के पटेल, आर के पटेल जी मुझे सुन, रामकिशोर पटेल जी सुन पा रहे हैं मुझे सर? हेलो, बीबी राय जी हैं आप? बीबी राय जी हैं सर, उनसे हम बात करते हैं इस बारे में। हेलो बीबी राय जी, डॉक्टर बीबी राय जी, सर कैसे हैं सर? सर कॉल पे, ज्ञानेन जी वो कॉल पे तो हैं पर वो म्यूटेड हैं, एक बार जरा उन्हें फोन कर उनको समझाना शायद ये पड़ेगा कि कैसे अनम्यूट होगा। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो सर, आगे आगे सर, हाँ जी डॉक्टर साहब, बीबी राय जी, हेलो, हाँ जी, हेलो बसंत जी, बताओ। हाँ, ये अभी सर ज्ञानेंद्र जी ने हमें अनुभव के बारे में शेयर करने के लिए बोला है। हाँ जी, हाँ जी बोलिए जी सर। हाँ, क्लिनिक के लिए हाँ जी, मैं अपने शेयर करना चाहता हूँ जी। ये क्लिनिक बहुत अच्छी एक सेवा है, मैंने यहाँ पे करीब कुछ पेशेंट दिखाए जो परेशान थे काफी, कोई कोई तो 6 महीने से परेशान था, वो सही नहीं हो रहे थे, लेकिन हमने अपने क्लिनिक के डॉक्टर को दिखवाया तो एक ही बार में उन्हें इतना अच्छा रिलीफ मिला कि वो आज प्रशंसा करते हैं क्लिनिक की और डॉक्टर की, कि आपने हमें बहुत बढ़िया डॉक्टर से दिखवाया जिससे हम एक ही बार में सही हो। पवन जी एक बार जरा करेंगे अनम्यूट, म्यूट हो गए आप, ओ सॉरी बसंत जी, हाँ जी धन्यवाद। हेलो हेलो, बताइए सर, हाँ जी आ रही है। ये कह रहे सर जियो क्लिनिक है बहुत बढ़िया है, ये गांव के लिए और शहर के लिए भी बहुत बढ़िया है, इससे तो लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ता है और कम पैसों में और अच्छा स्वास्थ्य मिल जाता है। मैंने अभी एक डॉक्टर जो इसमें है हार्ट रोग विशेषज्ञ को दिखवाया था, एक पेशेंट को काफी दिनों से परेशान थे, दिखाने मनन का नॉर्मल नहीं आया था बीपी, लेकिन एक बार दिखवाने के बाद उन्हें इतना संतुष्टि मिली इससे और वो ठीक हो गई, ठीक हो गया वो पेशेंट और वो प्रशंसा करता है आज कि आपने अच्छी जगह हमें दिखवाया है। ऐसे ही एक पेशेंट था, मेंटली डिसऑर्डर था उसको, मैंने उसको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखवाया, उन्होंने भी बढ़िया ट्रीटमेंट दिया, तो वो पेशेंट आज रिकवर है, बढ़िया है और सही हो गया, जबकि वो साइकोटिस्ट को दिखवा परेशान थे लेकिन ठीक नहीं हो रहा था, और जियो क्लिनिक के माध्यम से उसको दिखवाया तो वो ठीक हो गया था। हेलो, बढ़िया सर, बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद बसंत जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद सर। सर डॉक्टर साहब, सर डॉक्टर ए के सिंह सर, सर आप हैं कॉल पे अभी? हाँ जी, हाँ जी जनरल साहब, मैं सर आपको कॉल पे हूँ जी, सर आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं एक बार, एक सेकंड, कोई बात नहीं है। हाँ जी देखिए, हमारे बीच डॉक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिंह हैं, ये जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और ये जो टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसके ये प्रेसिडेंट हैं
और बहुत ही बढ़िया डॉक्टर और बहुत दूरंदेशी रखने वाले, और इनकी वजह से ही बहुत से भारत के शहरों में टेलीमेडिसिन का विस्तार हुआ है। और ये अभी कुछ वर्ड्स कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे यू नो भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो आगे बढ़ सकता है टेलीमेडिसिन के माध्यम से। सर बताइए सर। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों का काफी मैं सुन रहा हूँ ये बात, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि गांव के क्षेत्र में आप लोग सबके सब जुड़े हुए हैं। मैं भी ये इनको म्यूट कर दो बटन प्रायोरिटी को सर, बस अब मुझे म्यूट हो जाओ। मेरा ये है कि मैं भी एक गांव से आता हूँ, मेरे 22 किलोमीटर दूर है शहर से, तो अगर कोई बीमार होता है तो उसको कम से कम 100-150 रुपए तो आने जाने का खर्चा लग जाता है। अब हमने भी एक जियो क्लिनिक उधर गांव में लगा रखा है। वैसे क्लिनिक्स तो बहुत है, ऐप जैसे महेंद्र जी बता रहे थे, प्रोक्टो का है, ई संजीवनी है, इतने ज्यादा एप्स आ गए। बट जिस तरीके से आप एक लोकल डॉक्टर से जुड़ सकते हो और इनके माध्यम से जुड़ोगे तो वो डॉक्टर का भी क्या बोलते हैं अनुभव का पता चलेगा। हर आदमी को तो ये ज्वाइन नहीं करवाएंगे, जो भी डॉक्टर्स होंगे उनकी पूरी वेरिफिकेशन होगी और सब कुछ होगा तभी जाके ज्वाइन करेंगे। और आगे ये है कि अब जो टेलीमेडिसिन है उसको बहुत लीगल कर दिया है, लीगल मतलब आपको कानून आ गया है इसका, तो जितने भी डॉक्टर्स हैं इसमें शामिल हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर्स बन जाइए। यूपी का एक चैप्टर है हमारा, स्टेट चैप्टर है हमारे, करीब 11 स्टेट चैप्टर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी सब जगह है। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, सिद्धार्थ जी आपको बता देंगे, उसके अंदर जाकर आप अपना मेंबरशिप बनिए, उससे आपको बहुत सुविधा मिलेगी और हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको टेलीमेडिसिन करना है। अभी जो आप लोग टेलीमेडिसिन कर रहे हो उसमें एक जरूर ध्यान रखना कि लिखा पढ़ी होनी बहुत जरूरी है। जब लिखा पढ़ी आप करोगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज से 10 दिन या 1 महीने बाद अगर वो पूछे कि सर आपने मैंने इससे जांच करवाई थी, वैसे ये जियो के अंदर इसका लॉग होता है, सब कुछ होता है, बट ये लॉग को सेव करना बहुत जरूरी है। और ये करा के और आप अपने पास रख लेना, अपने लिखा पढ़ी लिखना बहुत जरूरी है। मेरा जो तजुर्बा है, एक हमने गांव में से कंसल्टेशन कराया था तो एक बंदे ने जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि साहब हमारा गर्ल्स कंसल्टेशन हो गया। हमने उसको जरूर बोला था कि भाई तू सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके रखना, कौन से डॉक्टर से बात करी, कब बात करी, किस टाइम पे, ये सुविधा मेरे ख्याल से जियो रिकॉर्ड करता है। उस चक्कर में आके वो पुलिस वाले जब आए और हमसे भी बात करी तो उन्होंने बोला जी हाँ ये हुआ है। अभी जो ये माहौल जो चल रहा है ये टेलीमेडिसिन का माहौल है, इसमें है तो आप कहीं जा सकते हैं, कोई आ सकते हैं, और स्पेशली आपके अगर फादर मदर कोई बीमार है और उनके डायबिटीज है सब कुछ है तो ये फॉलो अप हो सकता है, दैट कैन बी दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब साइकेट्री का भी आ गया, कल ही मेरे ख्याल से कल हमारे रोज हो जाए आईटी गाइडलाइंस कि कैसे करना है, कैसे कंसल्टेशन करना है। तो मेरी संक्षेप में यही बात है कि आप लोकल डॉक्टर से करो और जियो के माध्यम से जो डॉक्टर आपको मिलेंगे उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी होगी। और वो बेटर है, अब मैं एक दो नाम नहीं बोलूंगा बट मैंने भी ट्राई किया था तो रजिस्टर्ड हो गया, उसने मेरे से 90 रुपए ले लिए। अब डॉक्टर जो कनेक्ट हुआ जैसे महेंद्र जी बता थे वो कलकत्ता था, मेरा आंध्र प्रदेश का था, मेरे को कुछ बात नहीं समझ रही, उसको भी बात नहीं समझ रही, 90 रुपए चले गए। बट ये सब संभव है अगर आप एक जान पहचान की है तो। नाउ जो टेलीमेडिसिन होगी वो स्मार्टफोन से हो जाएगी,
आपके फोन से हो जाएगी, हमारे फोन से हो जाएगी, और ये जियो का जो प्लेटफॉर्म है इसके ऐप भी, एक मोबाइल ऐप है, एंड्रॉइड ऐप है, तो ये सब करिए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आज अच्छा देखा मैंने, करीब 80 आदमी आ गए थे तो अच्छा लगा। तो मेरी जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया में ज्वाइन करें और आपको बहुत सुविधा मिले। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सिद्धार्थ। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। तो अब एक आपको बस क्विकली हम ये दिखाते हैं सभी भाई लोगों, मित्रों, कि कैसे हमारे कहाँ कहाँ ये सिस्टम लगे हुए हैं, वो कैसे दिखने में कैसे हैं, तो वही आपको दिखाता हूँ मैं भी। हेलो, हाँ जी, हेलो। हाँ, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। मैं डॉक्टर आर के गुप्ता बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। हाँ जी सर, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे बैठे लायक नहीं था, मेरे पेशेंट काफी वेट कर रहे हैं, मैंने आपको काफी देर सुना है। हाँ जी सर, बताइए। मैं थोड़ा पहले अपने बारे में बता दूं, मैं डॉक्टर आर के गुप्ता, कैंसर स्पेशलिस्ट, PhD डीडी टू इलेक्ट्रोहोमोपैथी में। अच्छा जी। और विश्व कैंसर सम्राट का अभी अभी 12 जनवरी को मुझे अवार्ड मिला है सरकार से। अच्छा जी, नाइस नाइस। हाँ, मुझको किस तरीके से आपने जोड़ा था ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया आपकी। हेलो सर, आप म्यूट हो गए सर, सर आप म्यूट हो गए। सर डॉक्टर आर के गुप्ता सर, सर आप अनम्यूट करेंगे, आप म्यूट हो गए हैं। हेलो हेलो सर, हेलो डॉक्टर आर के गुप्ता सर। हाँ जी, अब बोलिए सर, आवाज चली गई थी आपकी। हाँ जी सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे बाहर पेशेंट बहुत वेट कर रहे हैं, काफी समय मैंने आपको दे दिया है। अच्छा जी, हाँ जी सर। और मैं अपना परिचय बता दूं, डॉक्टर आर के गुप्ता, कैंसर स्पेशलिस्ट, PhD डीडी टू इलेक्ट्रोपैथी में, और मुझे इस समय 12 जनवरी 2020 को विश्व कैंसर सम्राट अमेरिका सरकार ने मुझे अवार्डेड किया है। अरे सर, तो मुझे किस तरीके से आपने, किस उद्देश्य से जुड़ा था? मैं जुड़ गया था आपसे, मैंने कहा चलो मैं जुड़ के देखता हूँ क्या कहना चाहते हैं आप सर। तो दो मिनट में थोड़ा मुझे खत्म कर दो, पेशेंट काफी हो गए। हाँ जी, हाँ जी सर। सर हेलो, एक हेलो, एक और बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं जो बात कर रहा हूँ आपको बता दूं, मैं आपकी बात तो बहुत सरल कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा हमारे देश में कम से कम 5 से 7 लाख के बीच में। अच्छा जी। और मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी नेशनल एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा जी। तो कभी आप मेरे टेबल पर आके मिल सकते हैं। ये जो मैंने ई क्लिनिक का आपके बारे में जो देखा है, बहुत अच्छी प्लानिंग है, ये तो भारत सरकार की प्लानिंग है। ई क्लिनिक होने चाहिए, हर गांव में एक अस्पताल होना चाहिए। हाँ, मैं पक्ष में हूँ। हाँ जी, तो मैं आपका बहुत सहयोग कर सकता हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स के अपने के नंबर दे दूंगा, एड्रेस दे दूंगा, या उनको कभी सेमिनार खुलवा लेंगे उनको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी जी, आप उनको जुड़वाइए, और जो भी मेरे लायक सेवा आपके हो, मैं सेवा आपकी कर सकता हूँ, वो मेरे से कभी भी आप कहिए। जरूर सर, धन्यवाद सर, आपका सहयोग करूंगा। सर आप किधर से बात कर रहे हैं सर, किस शहर से बात कर रहे हैं सर? ठीक है सर, धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सर। तो अब बस एक लास्ट प्रेजेंटेशन है क्विकली, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम आगे बढ़े हैं अभी तक। तो देखिए, जियो मित्र ई क्लिनिक में आप 4 तरीके से हम जोड़ते हैं लोगों को अपने साथ। एक तो है इंडिविजुअल ऑपरेटर, कि कोई भी अपने गांव में खोल ले। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटरशिप, कोई हमसे जिले की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकता है, कोई किसी शहर की ले सकता है, ठीक है, और स्टेट की भी बात कर सकते हैं अगर उतना इंटरेस्ट है। तीसरा है नर्सिंग कॉलेज या फार्मेसी कॉलेज या BMS कॉलेज, यहाँ के जो छात्र हैं हम इनसे भी मिलते हैं, इनके साथ भी हम सहयोग करते हैं, ये भी अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में यहाँ खोलना चाहें। और उसके अलावा हम जो कॉरपोरेट्स हैं, NGOs हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं कि अगर वो गांव में ये लगवाना चाहें। अब ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ ई क्लिनिक्स की फ़ोटो है जालौन में, ये एक हेल्थ कैंप की फ़ोटो है, कुछ हमें सम्मानित कर रहे हैं, कहीं हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारा आगरा उत्तर प्रदेश में 3 ई क्लिनिक्स लगे हुए हैं। ये फिरोज़ाबाद में, देखिए अब मार्केट के बीचों बीच 2 ई क्लिनिक्स का है। फिर ये मैनपुरी में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि उड़ीसा में भी हमारा एक ई क्लिनिक्स शुरू होने वाला है, ये दिख रहा होगा आपको।
और इस प्रकार हमारे ये वॉल पेंटिंग होती है जिसका जिक्र किया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो ये वॉल पेंटिंग आपको शायद दिख रही होगी, कई जगह हमने जालौन में, कोंच में, ओरई के आसपास बहुत जगह लगाई है और यही हमें आगे काफ़ी करने की और हमारी प्लानिंग है। फिर ये आपके प्रचार प्रसार के लिए कुछ पोस्टर्स, जैसे मुरारी मेडिकल सेंटर, डॉक्टर संजय कुमार जी उनके नाम से पोस्टर बनाया और आसपास लगाया, मनीष ठाकुर जी, जय गुरुदेव मेडिकल सेंटर स्टोर कोंच में, ऐसे ये हमारा जो उद्देश्य है पूरे। देखिए हमारा जो असली सपना है जिसमें अगर आप जितने भागीदार होंगे उतना ही हम करते हैं आगे, कि हर गांव में अस्पताल और 1,00,000 अस्पताल नए भारत में। आप बताइए कितने आते हैं इसको करते हैं जरा बैठ के बातचीत इस पे। ये हमारा बहुत ही सपना है जिसमें हम दिन रात लगे रहते हैं। ये सर हमारा आगरा में ऑफिस है, रीजनल ऑफिस। ये हमारा जयपुर में है रीजनल ऑफिस। और इसी के साथ हमारी ये प्रेजेंटेशन अब ये समाप्त है। तो सर अब हम इसको क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस हैं किसी के आप बताइए, हम उस पर बात करते हैं, क्या है बताइए सर। हाँ जी महेंद्र जी, आपके भी कुछ प्रश्न थे उस समय रह गए थे जी। महेंद्र जी बताइए। जो भी क्वेश्चन करे वन टू वन कर लें तो बेहतर रहेगा, नहीं हो पाएंगे। हाँ जी पंकज जी बोलिए सर। बोलिए डिस्ट्रिक्ट इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत क्लिनिक खुलवाना चाहता हूँ। अच्छा, तो मेडिसिन जैसे आपके कंसेंट्रेट मेडिसिन डिस्क्राइब करेंगे तो वो हमारे यहाँ पे तो अभी मेडिकल स्टोर ई क्लिनिक वाले कोई है नहीं। हाँ, तो वो मेडिसिन कहाँ से कैसे टाइप होगा? तो पंकज जी आप कह रहे हैं कि जहाँ पे आप खोलना चाहते हैं वहाँ मेडिकल स्टोर नहीं है, ये कह रहे हैं आप जी? तो देखिए सर हम यहाँ पे ना दो तीन प्रकार से आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक तो ये है कि अगर आपके यहाँ नहीं है पर पास में है तो हम वहाँ से आपको जोड़ सकते हैं। तो कितने किलोमीटर दूर पहला मेडिकल स्टोर होगा आपके यहाँ से? हाँ पंकज जी आपकी आवाज चली गई, आप जरा अनम्यूट करेंगे? म्यूट हो गए पंकज जी। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए सर। मेरे आसपास तो 50 किलोमीटर एरिया में कोई मेडिकल नहीं है जियो मित्र वाला। नहीं 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 सर, जियो मित्र का नहीं, कोई भी मेडिकल स्टोर से हम जोड़ सकते हैं आपको। अच्छा जी, समझ रहे हैं सर अपना। हाँ हाँ, ऐसा नहीं कर सकते अपन जो लिमिटेशन हो सर? थोड़ी आवाज जोर से बोलेंगे, सुनाई नहीं दिया। हेलो सर, थोड़ा माइक के पास आके बोलिएगा पंकज जी। हेलो पंकज जी, आप नंबर अपना छोड़ दीजिए, हम आपको कॉल कर लेंगे। आप हम कॉल कर लेंगे पंकज जी, ठीक है ना? आपकी आवाज थोड़ी सी कम बोल। पर पंकज जी आप चिंता ना करिए, ये तो हमारा सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है ये वाला कि कैसे जोड़ा जाए। तो इसमें ये कई तरीके हैं, एक तो हम आसपास के मेडिकल स्टोर से जोड़ सकते हैं, हम एक मेडिकल बंडल भी आपके यहाँ पहुँचवा सकते हैं। Hello? और हम ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी दिव्यांशु जी बोलिए सर। बोलिए बोलिए दिव्यांशु जी। मैं राजेश यादव इंदौर से। बताइए। मैं दो चीजें जानना थी, एक तो कि मेरे क्लिनिक जो आप खोलने वाले हैं उसके लिए क्या कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है? देखिए सर, दूसरा कितना रिक्वायर्ड होगा क्लिनिक के लिए? सर दूसरा क्वेश्चन क्या है राजेश जी? मैं राजेश जी, राजेश जी देखिए इसमें क्या है,
कि जो ये ई क्लिनिक जो है चीज, इसको इसको आप ऐसे समझिए कि अगर इसको आप चलाते हैं तो आप एक हॉस्पिटल के मैनेजर बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं, हॉस्पिटल के मैनेजर, क्योंकि ना तो आपको किसी को परामर्श देना है, ना आपको कोई सैंपल खुद निकालना है मरीज का, ना ही आपको किसी को दवा खुद हाथ से देनी है। ठीक है सर? एक मिनट मनोज जी, बस मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगी जरा। हाँ जी सर, राजेश जी आवाज आ रही है आपको? सर सर आवाज आ रही है। हाँ जी, एप्लीकेशन पर ये है कि कोई भी पेशेंट गांव में आता है तो वो ये नहीं दिखा सकता है कि किस लेवल का है। हाँ जी हेलो, उसको जनरल फिजिशियन को दिखाना है, उसको स्पेशलिस्ट को दिखाना है या कंसल्टेंट? सही बात है जी। ये उसको डिसीजन लेना होगा, उसको डॉक्टर उसको डिसाइड करना होगा, या तो कोई जो पेशेंट आएगा वो डिसाइड करेगा कि साहब मुझे उसको दिखा दीजिए, है ना? हाँ जी। और या दूसरा ये है कि वो इन जो जो क्लिनिक का बेटा जिसको मैनेजर आप कह रहे हैं वो डिसाइड करे कि किससे कनेक्ट करना चाहिए। देखिए इसमें क्या है राजेश जी, ये कैसे होता है, देखिए सबसे जो डॉक्टर होता है ना उसको पता होता है कि किसको दिखाना है पेशेंट को। ठीक है सर, ये हमें तो सबसे पहले जो है जनरल फिजिशियन जो होता है उनको दिखाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर तो किसी को पता है कि हड्डी टूट गई है, ठीक है, या ऐसा कोई बहुत क्लियर है, तब तो उन्हें दिखाया जाए हड्डी विशेषज्ञ। बट अगर कुछ नहीं क्लियर तो सबसे पहले जनरल फिजिशियन को दिखाया जाता है। ठीक है जी, और फिर वो बताते हैं, वो आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। बेसिक से स्टार्ट करेगा। हाँ जी हाँ जी। दूसरा आपने, मैंने दूसरा पूछा था कि क्या कुछ जो स्पेस बनाया जाएगा गांव में या कहीं पे भी। हाँ जी, उसके कुछ पैरामीटर्स को डिसाइड किए हैं क्या? देखिए सर, देखिए पैरामीटर इसमें क्या है कि जैसे हम आपको फोटो शायद दिखाई थी उसमें कि टीवी वगैरह बहुत थोड़ा सा ही है इसमें। ठीक है, छोटा सा ही टीवी है वो सब, तो मतलब 10x10 का स्पेस भी चलेगा, बहुत चले बढ़िया तरीके से। बहुत ज्यादा है राजेश जी, इसके लिए हमें केवल इतना चाहिए कि टीवी दीवार पे लग जाए, आई थिंक 5 फुट का स्पेस हो, एक ऑपरेटर, हाँ एक ऑपरेटर चेयर डाल के बैठ जाए और पेशेंट के बैठने की जगह हो। अगर 6x6 की भी जगह है तो उसमें भी इजिली कर सकते हैं, और जितना ज्यादा होगा उसका बहुत बेटर है इसके लिए। तो उसके लिए कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी जगह चाहिए, 10x10 बहुत अच्छा स्पेस है, अगर 7x7 6x6 भी हो तो भी चलेगा। मैं बताता हूँ राजेश जी जो पूछना चाह रहे हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं, राजेश जी अगर गाँव में खोलते हैं तो इसके लिए स्पेशली आप अपने चौपाल में, बैठक में, बरामदे में, कहीं भी ऐसी जगह इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे आके आपकी शिकायत हो सके। देखिए ऐसा कोई स्पेशली नहीं है कि आप मार्केट में शॉप लें या उस पर इंस्टॉल करें, जहाँ पे एक पब्लिक गैदरिंग होती हो, जैसे आपके गाँव में घर है पाल लो और बैठक है, तो आप वहाँ भी चालू कर सकते हैं इसको। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में इसको स्पेशली खोलें। नहीं नहीं, बैठने की जगह तो होनी चाहिए ना इसमें। हाँ, बैठने की जगह की वेटिंग के लिए ऐसा होता है गांव में सर, हमारे जो क्लिनिक जैसे गांव में लोग तखत डाल देते हैं, बाकी एक दो बेंच होनी चाहिए, तखत है, चारपाई है, वहाँ वेटिंग कर सकता है पेशेंट दिखाने के लिए, तो स्टूल और जो टीवी के सामने बैठ के दिखाएंगे उसको। तो हमारा प्रॉपर क्या है कि ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर वे में कोई ऐसा है कि नहीं स्पेशली हम वहाँ पे आप दुकान लेंगे। हाँ जी, तो सही है राजेश हेलो। हाँ जी राजेश जी, तो आपका जो 10x10 है वो सफिशिएंट है इस चीज के लिए, उससे कम में भी बात हो जाती है, तो बढ़िया है सर। हाँ जी, अच्छा इंदौर रीजन के लिए कुछ अभी इंदौर रीजन से डॉक्टर्स या इंदौर रीजन के लिए कहीं शुरुआत हुई है क्या? सर ये तो पूरा ओपन है भारत देश के लिए इस समय, क्योंकि जो डॉक्टर हैं हमारे पास 300 के करीब डॉक्टर हैं जो अभी हैं आगरा, मैनपुरी, मथुरा, चंडीगढ़, दिल्ली, झांसी, कानपुर, सभी क्षेत्रों के हैं, और अब तो जयपुर, हाँ जयपुर के भी डॉक्टर हैं हमारे पास, और ये बढ़ ही रहे हैं डेली के हिसाब से, 10-12 डॉक्टर आ जाते हैं, और अभी तो पौंडीचेरी की भी एक डॉक्टर साहब और एक बंगाल के डॉक्टर साहब भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो इसको तो आप ऐसे मान के चलिए पूरा इसका देश व्यापक सिस्टम है ये। हाँ जी
चलिए फिर पर्सनल नंबर पे बाकी बात कर ली जाएगी। हाँ जी सर, इसको शुरुआत करी जाए बस इसमें। हाँ जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी सर, और कोई क्वेश्चन जी किसी का? हेलो हेलो। हाँ जी आवाज आ रही क्या? आ रही। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, इसमें अपन जो लगाते हैं तो ई क्लिनिक में, हाँ जी क्या चीज प्रोवाइड करती है? देखिए ई क्लिनिक हमारे हैं दो किस्म के, ठीक है। पहला है ये 27,000 रुपए का, जिसमें आपको एक टीवी मिलता है 24 इंच का, एक वायरलेस प्रिंटर मिलता है, और आपको मिलता है एक एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स। सेट टॉप बॉक्स का मतलब है कि जो आपका जो टच फोन है उसको टीवी से कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, उसको कनेक्ट कर देता है ताकि जो मोबाइल पे जो आपका दिखता है वो टीवी पे दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो इसके इसके ऊपर हम आपको प्रचार प्रसार का सामान देते हैं, जैसे वॉल पेंटिंग वगैरह ये सब देते हैं, ठीक है, और बैनर पोस्टर बैनर। जो 60,000 रुपए का 60,000 रुपए का एक दूसरा प्लान है, जिसमें आपको मेडिकल डिवाइस भी मिलते हैं, जिसमें डिजिटल स्टेथोस्कोप, पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी मशीन, ग्लूकोमीटर, वेइंग मशीन और थर्मामीटर, ये 6 चीजें मिलती हैं। अच्छा अच्छा तो और ये अपना डिस्ट्रीब्यूटर सबके लिए, ये अपना जो 27,000 वाला ये क्लिनिक का है? नहीं, दोनों ही क्लिनिक के ही हैं। अब एक क्लिनिक ऐसा है जिसमें मेडिकल डिवाइस नहीं है, दूसरे में है। राइट राइट राइट। इसमें जो क्या बोलते हैं पैथोलॉजी अटैच करनी पड़ेगी ना? देखिए पैथोलॉजी के लिए तो टाई अप अगर आपका कहीं है खुद से तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमारी टीम आपका टाई अप करवा देती है पैथोलॉजी लैब से। तो हम उनसे बातचीत करते ही रहते हैं, हमारे नेटवर्क में काफी रहती हैं, तो हम उनको जोड़ देते हैं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं झांसी से बोल रहा हूँ। अच्छा, झांसी से बोल रहा हूँ, मैं फार्मा सेक्टर से हूँ। अच्छा जी। अभी प्रेजेंट में मैं कंपनी में हूँ, एरिया सेल्स मैनेजर हूँ। अच्छा जी। तो आया था तो मैंने लिंक किया हुआ था आपका। अच्छा जी। तो इसे अपन शहर में भी लगा सकते हैं कि सिर्फ विलेजेस में ही? नहीं नहीं, तो कहीं पे भी देखिए लग सकता है, ठीक है। टेक्निकली तो ये कहीं पे भी लग सकता है, जहाँ पे भी अभाव है डॉक्टर्स का, अवेलेबिलिटी का, क्वालिटी का या स्पेशलिटी का। पर गांव में तो देखिए क्लियर अभाव है, क्लियर मतलब सोचने की जरूरत नहीं। सर कनेक्ट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दिव्यांशु जी आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? बार बार आप स्क्रीन पे आ रहे हैं, बताइए सर। मैं सर अरुजा जी जी भी बात की थी, वैसे मैं आगरा से ही वैसे। अच्छा, बट मोस्ट ऑफ द वर्क मेरा रियल एस्टेट का काम है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड और हिमाचल दोनों लोकेशन करता हूँ मैं। तो मेरा डिस्कशन जो इनसे हो रहा था कि जो ग्रामीण इलाके हैं रेलवे स्टेशन से और थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ऐसे एरिया में हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं? दिव्यांशु जी देखिए, जैसा हमने बताया कि एक साल से हम ये कर रहे हैं और हमारी शुरुआत हुई थी जालौन, जिला जालौन से और मंडी हिमाचल से, ठीक है। ये दोनों ही थोड़े दूरगामी एरिया हैं, ठीक है, और दोनों ही जगह हमने इंटरनेट की दिक्कत उतनी नहीं देखी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जितना इंटरनेट मैंने चंडीगढ़ में देखा है उससे अब बस मान लीजिए 15% कम इन जगह मिल जाता है, ठीक है सर। और जब से रिलायंस जियो आया है तो इंटरनेट अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन इतना नहीं रहा, इतना नहीं रहा। और दिव्यांशु उसके अलावा जहाँ पे भी सेटअप करना है वहाँ पे जो भी नेटवर्क अवेलेबल है, कहीं पे रिलायंस है, कहीं पे आइडिया है, कहीं पे BSNL है, कहीं पे वहाँ का लोकल नेटवर्क है, तो हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, हमें बस नेट कर सकते हैं। जी समझ गए। और सर इसमें एक चीज ये और कि जैसे कि 10 परिवार के गाँव होती है, चार गाँव या 5 गाँव को हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, कितने गाँव में हम लोग एरिया वाइज, जैसे आप पहाड़ों की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे तो पॉपुलेशन बहुत दूर दूर होती है,
तो देखो ये हमारा यूपी, जैसे हम आगरा में हैं, आगरा में एक गांव की पॉपुलेशन 8-10 हजार से 5 हजार से कम नहीं होती है। आइडियलिस्टिक लेने के लिए हमने 4 गांव की बात की है, मतलब आप माने कि कम से कम हम 20 हजार पॉपुलेशन पे एक, 15-20 हजार पे एक लगाना चाहते हैं। वो क्राइटेरिया जब पहाड़ों पे जाएंगे तो वो पहाड़ों वाला बहुत चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां तो बहुत दूर दूर है ना, तो वहाँ हो सकता है कि 20 गांव भी हो, 20 गांव की पॉपुलेशन 10 हजार निकले, तो वो हम उसी हिसाब से मैनेज कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, हमारा ये है कि जो भी हमारा क्लिनिक ऑपरेटर होगा, हम उसे पूरी एक फ्रीडम देना चाहते हैं, कम से कम 10 हजार की पॉपुलेशन को वो इंट्रोड्यूस करे खुद को। ऐसा नहीं कि हमने हर गांव में खोल दिया तो हमारे क्लिनिक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर, क्योंकि हमें क्लिनिक ऑपरेटर से 15 हजार है ना, कि केवल उसे चेपना है। ये जगह से जगह पे भी डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन क्या है, तो एक अच्छी पॉपुलेशन के बीच में हम खोलना चाहते हैं, जिससे कि हमारा जो क्लिनिक ऑपरेटर है उसे भी एक अच्छी अर्निंग हो, उसके पेशेंट का जो रेशियो है वो अच्छा आए। वो सब जगह जगह पे, कई जगह आप राजस्थान में जाएंगे, बहुत दूर दूर तक गांव नहीं है, ठीक है, तो वो एरिया और वो सारी चीजें जगह के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके, और जब हमारा कोई ऑपरेटर हमसे जुड़ेगा तो अगर हम अगला क्लिनिक खोलेंगे तो उससे पूछे बिना नहीं खोल देंगे कि भाई ये है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हमें एक क्लिनिक खोल ले, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, तो नहीं होगी दिक्कत। अब हम 1 किलोमीटर खोलेंगे तो उसे दिक्कत होगी तो हम नहीं खोलेंगे ना, क्योंकि वो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, पहले हम उसका बिजनेस देखेंगे तब नई का देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, बाकी में डिस्कशन फाइनेंशियल तो मैं आपसे थैंक यू। और सर कोई क्वेश्चन? हेलो, हाँ जी, हाँ सर, ये बोल रहे थे हम आपसे, जैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, हाँ जी, तो पहले कस्टमर कह रहे कि होना चाहिए एक दो ट्रांसफर कर सके ऑलरेडी डॉक्टर को, ऐसा कोई सिस्टम अभी डेवलप नहीं है इसमें। अच्छा जी, जैसे एक लिस्ट के जैसे नहीं, उससे कंसल्ट नहीं हो रहा तो दूसरे पे ट्रांसफर हो जाए कॉल। हाँ जी सर, वो ऑटोमेटिक, हाँ हाँ, वो क्या होता है सर, कई बार क्या होता है कि कोई डॉक्टर जैसे एकदम से 4 पेशेंट की उनके पास लाइन लगी हुई है, राइट, तो वो ना उनके पास समय नहीं होता, तो ऐसे जैसे डॉक्टर बिजी है तो दूसरे के पास कॉल डाइवर्ट हो जाए, मतलब उनसे बात होने लगे, ऐसा सिस्टम। हाँ जी, ये सर अभी ना थोड़ा हमने कुछ हद तक और आसानी रहेगी। हाँ सर, बहुत अच्छा सजेशन है सर आपका। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हम बता रहे थे ना, अब कोई क्या कर सकते इसके लिए। नहीं, सही है सर, आपका बड़ा अच्छा सुझाव है, इस पर हम बातचीत करते हैं इस बारे में, थैंक यू, अच्छा पॉइंट है, ऑटोमेटेड होनी चाहिए शेड्यूलिंग, यू आर राइट। हाँ जी संतोष जी, आप कहना चाहेंगे कुछ? हाँ जी संतोष जी, आवाज नहीं आ रही मेरी। हाँ महेंद्र जी, आपका क्वेश्चन था, आप हैं अभी कॉल पे? नहीं, महेंद्र जी हैं नहीं। और सर किसी का कोई प्रश्न? हेलो, हाँ जी, कोई और किसी? और किसी की अगर कोई क्वेरी हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बताते हैं। हाँ मनोज जी बताएं कुछ सर, कोई हो? हेलो, हाँ जी सर, मैं देख रहा हूँ जैसे, हेलो हेलो, बोलिए बोलिए सर, मैं ये कह रहा था जैसे वो मैं हमने एडवांस में वो सेमिनार में वो किया था, बुकिंग किया था 2000 रुपए से, तो वो सेटअप बॉक्स लगवा नहीं पाया था लॉकडाउन के चलते। हाँ जी सर, हेलो, तो उसको अब लगवाना चाहते हैं, कब तक लग जाएगा? बस सर ये लग जाएगा, ज्ञानेंद्र जी आपसे संपर्क में हैं, शायद एक हफ्ते के अंदर लगवा देते हैं आपके यहाँ। मनोज जी आप तो आप बताइए, आप मैं तो फोन करके इसके लिए कह चुका हूँ, आप तो टाइम बताइए कब लगवाना है, आप हम अरेंजमेंट करते हैं फिर, आप टाइम बताइए, आप रेडी हैं सर लगवाने के लिए? हाँ रेडी है, वही तो बोल रहा था मैं, जैसे पहले क्या था लॉकडाउन हो गया था उस टाइम।
चलिए जी आप मनोज जी से बात कर लीजिएगा और आपस में तय करके लगा लेते हैं। हां हम लोग बात घंटा कर जाओ। ठीक ठीक हां जी हां। हेलो हेलो सर। हां हां हेलो सर, मैं अपने संतोष जी। आप बताएं संतोष जी, कुछ और अनाउंसमेंट है सर हमारी, कुछ इसमें कर रहे हैं कि आपको कुछ और अनाउंसमेंट? नहीं नहीं बस हो गया ज्ञान जी अपनी, अब तो बस क्वेश्चन आंसर रह गया। ठीक है सर। और कोई प्रश्न जी किसी का? हेलो सर। हां सर। हेलो, क्या मैं सर अनाउंसमेंट शेयर कर सकता हूं? जैसे जो बेनिफिट हो रहा है वो लोगों को जो जुड़ रहे हैं उनको बताने के लिए। नहीं क्या सर, क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं सुवेद जी, नहीं बसंत राय जी, बसंत बाबू जी बोलिए सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जो उससे बेनिफिट वगैरह हो रहे हैं क्लिनिक के माध्यम से। हाँ जी सर, तो थोड़ा बोल सकते हैं उसके बारे में? हाँ जरूर सर, बताइए बताइए सर। जैसे तो ये बहुत ही एक अच्छा मौका है, जो क्लिनिक का अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा उसके लिए बहुत ही फायदे है। ये मैं बताना चाहता हूँ क्या है, जो सोचता रहेगा वो रह जाएगा बाद में। मैंने भी ऐसा सोचा था कि मैं नहीं लूं, लेकिन मैंने ले लिया, वो बहुत अच्छा रिस्पांस है उसका, उससे क्लिनिक और अच्छी डेवलप हो जाती है। और जैसे हमको अच्छे डॉक्टर से स्पेशलिस्ट से परामर्श मिल जाता है तो पेशेंट भी संतुष्ट रहते हैं। हमने जैसे एक पेशेंट साइको टेस्ट पेशेंट था साइको वाला, तो उसको यहीं पर उसका समाधान कर दिया, तो बहुत तारीफ की उन्होंने कि आपने बहुत अच्छा ये क्लिनिक लिए हुए हैं आप, इससे मतलब हमको कहीं नहीं जाना पड़ा, यहीं पे हमारा समाधान हो गया। ऐसे ही पेशेंट एक उसका बीपी बढ़ा रहता था हमेशा, उसको भी दिखवाया तो वो भी बहुत संतुष्ट हुए, बोले इसी बार में वो पेशेंट उनका बीपी नॉर्मल आ गया क्लिनिक के माध्यम से, जब स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया। तो मैं ये अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा ऐप है, इसके द्वारा लोग जो समाधान मिल जाता है, लोग उनके दूर हो रहे हैं। अच्छा जी, नहीं बहुत बढ़िया सर। तो बसंत जी आप ऐसे केस में ना थोड़ा उसका खुद ही टेस्टिमोनियल ले लीजिए कीजिए अपने मोबाइल कैमरा से, अगर आप एक वीडियो बना लेंगे ना पेशेंट के विचारों का तो वो बहुत बनाएंगे सर। ये आपने सजेशन दिया, हम जो पेशेंट संतुष्ट है वो अपने विचार हम एक वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे सर। ठीक है, राजकुमार जी मैसेज कर रहे हैं, राजकुमार जी का कोई क्वेश्चन है? राजकुमार जी पूछिए सर। राजकुमार जी पूछिए। हेलो हेलो सर, सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बोलिए सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं अभी बिल्कुल इसमें नया जुड़ा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट मैंने देखा सुना आज पूरी कॉन्फ्रेंस। हाँ जी। तो इसमें मेरी क्वेरी ये थी कि जैसे मान लीजिए अगर हम एक नया सेटअप लगाते हैं उसमें मरीज का आना, अभी समझ रहे हैं आप कि अभी बिल्कुल ये नया कॉन्सेप्ट है तो मरीज भी अभी डाउटफुल होंगे। हाँ जी, तो मेरा ये कहना है कि जैसे मरीज आए कम्प्लीट हो गया, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, तो ये मतलब लीगली और क्या बोलते हैं कि मतलब मानिए उस प्रिस्क्रिप्शन के बाद कुछ अगर प्रॉब्लम आए तो मतलब ऐसा ना हो कि मरीज फिर हमारा जो काउंटर है उसके अगेंस्ट में चला जाए कि नहीं आपने प्रॉपर तरीके से मतलब प्रॉपर तरीके एक प्रॉपर डॉक्टर से नहीं परामर्श किया जिसके कारण हम ये मेडिकल चैलेंज में आ गए। तो इन चीजों के हमारे पास क्या मतलब एक वैलिड रीजंस रहेंगे या वैलिड तर्क रहेंगे सो दैट हम उन्हें कन्विंस कर सकें नहीं ये भी एक डॉक्टर की क्लिनिक की तरह ही उतना ही मान्य सिस्टम है। हाँ जी, तो इसमें इसमें एक लाइन बोलता हूँ विशेष जी मैं, पहले उसके बाद आप ले लेना। तो इसमें राजकुमार जी जो जो आपकी जो बात होगी क्लिनिक में पेशेंट की डॉक्टर के द्वारा, वो जो वीडियो कॉल से होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी कि जैसे वो असली में उससे मिल ले डॉक्टर से, कानून के नज़र के द्वारा। ठीक है सर, तो कानून उसमें अलग नहीं करता कि ये आपने वीडियो से करी है तो इसमें ज़्यादा स्क्रूटनी है, ये आपने डायरेक्ट करी है तो चलो इसमें तो गड़बड़ हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं है। तो जो आपने जो ये बताई है ना बात की परामर्श के बाद कुछ गड़बड़ हो सकती है, ये तो देखिए असली में भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें कोई वो नहीं है, भेद नहीं है कोई। और सरकार के हिसाब से
वही संरक्षण डॉक्टर को और ऑपरेटर को ई क्लिनिक में है जो उसको असली अस्पताल में है, एक, ठीक है। दूसरी बात कि ये हर आदमी को पता है कि ये जो जो कंसल्टेंसी वाले फील्ड होते हैं जिसमें डॉक्टर आता है, वकील आते हैं या सीए आते हैं, यहाँ पर एक मार्जिन ऑफ एरर हमेशा होता है, हमेशा, ठीक है सर। तो ये इसमें कोई अलग नहीं है, तो ये पेशेंट से हम पहले एक कंसेंट फॉर्म भी ओके करवाते हैं इस चीज़ में कि आप यहाँ बात कर रहे हैं तो इसके ये फ़ायदे हैं इस सिस्टम के, ये इसके नुकसान हैं, आप ये समझने के बाद ही ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लीगल, जो कानून का संरक्षण पूरा है इस चीज़ को लेकर, पर जो मोटी बात है वो ये है कि इसमें वही रूल लागू हैं जो असली अस्पताल में लागू हैं, कोई ना कम है ना ज़्यादा है, ठीक है सर। और उसके ऊपर कंसेंट फॉर्म भी है। और तीसरी चीज़, जो मरीज के हाथ में पर्चा जाता है उसमें डॉक्टर का नाम होता है, डॉक्टर जिसने वो पर्चा लिखा है, उसमें आपका नाम नहीं होता कि आपने वो पर्चा दिया है, आप समझ रहे हैं बात, ठीक है। हालांकि उसमें क्लिनिक की लोकेशन का नाम है क्योंकि कल को कोई फिर आना पड़े मरीज को, फ़ोन करना पड़े, इसलिए है, बट जो प्रिस्क्रिप्शन देने वाले वो डॉक्टर साहब का नाम है, आपका नहीं है। हाँ जी विशेष जी, आप कहना चाह रहे थे जी। हेलो राजकुमार जी, देखिए अगर आपने जो लॉ की बात की है ना, इसमें सारे वही लॉ लागू होंगे जो एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में होते हैं। आप क्या है, देखिए आप केवल एक अटेंडेंट कह सकते हैं, मैनेजर कह सकते हैं, जो मरीज और डॉक्टर की कॉल मैनेज करवा रहे हैं, ठीक है सर। बाकी जो भी जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसके साथ जो भी गवर्नमेंट के लॉ हैं या पेशेंट के जो हक हैं, वो सारे वहां पे वही रहेंगे जो नॉर्मल फिजिकल डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन में रहते हैं, ठीक है सर। दूसरा, टेलीमेडिसिन में अगर लॉ की बात करें तो जैसा कि आपको पता है अभी पिछले महीने में गवर्नमेंट ने बहुत सारी उसमें अमेंडमेंट किए।